भाई साहब तबाही तबाही सोनामी कंटिन्यूस सरदारपुर की स्टील बॉक्स पे छप्पड़ फाड़ कमाई करके सबको परेशान करके रख रही है। दोस्तों मंडे को डे फाइव को हमको लंबा ड्रापडाउन देखने को मिलना था, लेकिन दोस्तों नहीं, मजा ले कि इस फिल्म ने बॉक्स पे ड्रापडाउन लिया हो। दोस्तों वर्किंग डेज के ऊपर ये फिल्म बॉक्स पर तूफानी कमाई करी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ये फिल्म केवल 10 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ का नंबर क्रॉस करने को जा रही है। इतिहास के पन्ने इस फिल्म बॉक्स पर इतनी बड़ी सोनामी मचाई गई जो किसी ने सोचा नहीं था। सरदारपुर की स्त्री 2 ने बॉक्स पे कब्जा करके रखा हुआ। अक्षय कुमार की खेल खेल, जॉन अब्राहम की विदा फिल्म का कलेक्शन सारा का सारा अपनी साइड में खींच लिया है। दोस्तों सरदारपुर इज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, जिसने सबके रोंगटे खड़े करके रख दिए। बात करेंगे स्त्री 2 ने पहले दिन से लेकर 5 दिनों के अंदर कितनी कमाई की, 6वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी है, और दोस्तों स्त्री 2 डे 6 को इनबॉक्स पर कितनी कमाई करेगी, वर्ल्ड बॉक्स पर कितना धंधा करेगी। फिल्म दोस्तों पहले 6 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स पर कितनी कमाई कर चुकी है, बॉलीवुड बॉक्स पे कितनी कमाई कर चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 3 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 180 करोड़ की कमाई की थी। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी ने 176 करोड़ की, पठान ने 161 करोड़ की। स्त्री 2 ने 3 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 145 करोड़ की कमाई करके टाइगर 3 का 144 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और केजीएफ 2 का 3 दिनों के अंदर 143 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कमाई करने का रिकॉर्ड स्त्री 2 ने तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों सरदारपुर की स्त्री 2 ने संडे को बॉक्स पे तबाही तोड़ कमाई करके सबको पीछे करके इतिहास रच दिया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 4 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का नंबर क्रॉस किया था। रणबीर कपूर की एनिमल ने भी 4 दिन लगाए थे 200 करोड़ का नंबर क्रॉस करने के लिए। शाहरुख खान की पठान ने 4 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का नंबर क्रॉस किया, और सरदारपुर की स्त्री 2 ने 4 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ का नंबर क्रॉस करके गदर 2 का 5 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रॉकी स्टार यश की केजीएफ 2 ने 5 दिन लगाए थे हिंदी वर्जन में 200 करोड़ से ऊपर कमाई करने के लिए। दोस्तों जिस तरह स्त्री 2 बॉक्स पे तबाही तोड़ कमाई कर रही है, ये बात कंफर्म है कि लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में सरदारपुर की स्त्री 2 रॉकी स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 का लाइफ टाइम हिंदी वर्जन में 435 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। गदर 2 का 528 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ के पठान का 525 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, और हिंदी बेल्ट में नंबर 2 हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है शाहरुख खान की फिल्म जवान के बाद। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पहले दिन 65 करोड़ की कमाई की थी। स्त्री 2 ने अपने पहले दिन इन्हीं बॉक्स पे 55 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके पठान का 55 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनिमल मूवी का 54 करोड़ 75 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ के केजीएफ 2 का पहले दिन 53 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों सरदारपुर की स्त्री 2 एक हॉरर और कॉमेडी फिल्म होने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्शन सुपरस्टार की मूवीज के ऊपर भारी पड़ रही है, साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार। भाई देखो केजीएफ चैप्टर 2 कितनी बड़ी फिल्म थी, उस फिल्म का क्या ही हाइप था, क्या ही उस फिल्म का एक्शन था। केजीएफ चैप्टर 2 को स्त्री 2 बीट कर रही है, भाई ये बात कोई कहने वाली है भाई, इतने बड़े रॉकी स्टार यश की फिल्म को भी स्त्री 2 ने बीट कर दिया है। भाई मैं तो पागल हो चुका हूँ भाई, हमको क्या देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा सुनामी बॉक्स पे आएगा वो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्त्री 2 के बॉक्स कलेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट दिखा सकता है। सरदारपुर की स्त्री 2 के अंदर आपको दोस्तों वरुण धवन, अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिला, तमन्ना भाटिया का भी कैमियो है, एक सॉन्ग है, एंड आपको राजकुमार राव और सरदारपुर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे। स्त्री 2 को 15 अगस्त वाले दिन इन्हीं बॉक्स पे 3000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया, ओवर स्मैक्ट में 1600 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया। फिल्म का बजट है 80 करोड़ का। फिल्म ने 14 अगस्त को शाम 9 बजे प्रीमियर शो से 9 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई करके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 11 करोड़ का धंधा कर लिया था। दोस्तों स्त्री 2 ने अपने पहले दिन इन्हीं बॉक्स पे 55 करोड़ 40 लाख रुपये की तूफानी कमाई करके सबको परेशान करके रख दिया। किसी ने सोचा नहीं था ये फिल्म बॉक्स पे अपने पहले दिन इतना बड़ा ओपनिंग लेगी। दोस्तों पेड फ्यूज शूज को मिला कि इस फिल्म ने तो सबके इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड कैम करके सबको चौंका दिया। स्त्री 2 अपने पहले दिन इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 65 करोड़ की कमाई करके ओवर स्मैक्ट में 12 करोड़ का धंधा करके दोस्तों स्त्री 2 ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स पे 75 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। डे 2 को दोस्तों ये फिल्म इन बॉक्स पे यानी फ्राइडे वाले दिन 34 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 39 करोड़ की, ओवर स्मैक्ट में 9 करोड़ का धंधा करके डे 2 को दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड बॉक्स पे पूरे 48 लाख रुपए का धंधा करने में सफल हो पाई थी। डे 3 को सैटरडे को हिंदी बेल्ट में इस फिल्म में 46 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 58 करोड़ का धंधा करके डे 3 को सैटरडे को स्त्री 2 ने ओवर स्मैक्ट में 11 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पर पूरे 68 करोड़ की कमाई की। डे 4 को संडे
संडे को स्टीटो ने हिंदी बेल्ट में पूरे 60 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 72 करोड़ की कमाई करके ओवर्स मैक्ट में 10 करोड़ का कलेक्शन किया। डे फोर को दोस्तों ये फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स पर संडे स्पेशल में 80 करोड़ की कमाई करके नंबर वन हाईएस्ट सिंगल डे में कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों स्त्री 2 का पहला वीकेंड 4 दिन का, स्त्री 2 अपने पहले 4 दिन के वीकेंड के ऊपर हिंदी बेल्ट में 204 करोड़ की कमाई करके इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 240 करोड़ की कमाई की। दोस्तों इस फिल्म में पहले 4 दिनों के अंदर ओवर स्मैक्ट में 43 करोड़ की कमाई करके श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री 2 ने पहले 4 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 283 करोड़ की कमाई करके सुपर हिट बनने का टैग लगवा लिया था। दोस्तों डे 5 को मंडे को स्त्री 2 हिंदी बेल्ट में 30 करोड़ का धंधा करने में सफल हो पाई है। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 38 करोड़ की कमाई करके ओवर स्मैक्ट में 8 करोड़ का धंधा करके स्त्री 2 दोस्तों डे 5 को दुनिया भर के बॉक्स पे 44 करोड़ की कमाई करके सबको परेशान कर चुकी है। डे 6 को स्त्री 2 यानी ट्यूसडे को इंडियन बॉक्स पे हिंदी बेल्ट में 26 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाएगी। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 34 करोड़ की कमाई करके ओवर स्मैक्ट में 6 करोड़ का धंधा करेगी। डे 6 को श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 दुनिया भर के बॉक्स पे 40 करोड़ की कमाई करेगी। दोस्तों ये थी पहले दिन से लेकर 5 दिन की फाइनल इंडियन और वर्ल्ड बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट, डे 6 की बॉक्स कलेक्शन प्रोडक्शन रिपोर्ट। बॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 डे 6 को इतनी कमाई करेगी क्योंकि दोस्तों डे 5 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 10 करोड़ की थी, डे 6 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 7 करोड़ की हुई है। पूरे दोस्तों 3,90,000 टिकट बिक पाए। दोस्तों एडवांस बुकिंग से पता चल जाता है कौन सी फिल्म कितने दिन कितना कलेक्शन करेगी। जब दोस्तों डे 6 की रात 12 बजे रिपोर्ट आएगी 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों स्त्री 2 जो है डे 6 को इतनी कमाई करेगी आप लोग लिखवा के रख लो। अब बात कर लेते हैं फिल्म के टोटल धंधे के बारे में। दोस्तों स्त्री 2 ने 6 दिनों के अंदर हिंदी वर्जन में 260 करोड़ की कमाई कर ली है। 6 दिनों के अंदर इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 312 करोड़ की कमाई की है। 6 दिनों के अंदर ओवर स्मैक्ट में 257 करोड़ का धंधा करके स्त्री 2 ने 6 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 367 करोड़ की कमाई कर ली है। भाई इतना बड़ा फास्टेस्ट कलेक्शन शाहरुख खान की फिल्म पठान ने नहीं किया था, एनिमल ने नहीं किया था, टाइगर 3 ने नहीं किया था, गदर 2 ने नहीं किया था, KGF 2 ने भी नहीं किया था हिंदी वर्जन में। भाई इतना बड़ा कलेक्शन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये स्त्री 2 जो है लाइफ टाइम हिंदी वर्जन में 500 से लेकर 550 करोड़ की कमाई करेगी, लाइफ टाइम ओवर स्मैक्ट में 70-80 करोड़ की कमाई करके दोस्तों ये फिल्म लाइफ टाइम वर्ल्ड बॉक्स पर 700 करोड़ की कमाई करके गदर 2 का 700 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। बॉक्स ऑफिस पे लगातार ये फिल्म सोनामी लेके आ रही है। दोस्तों मजा ले कि इस फिल्म का कलेक्शन गिरने का नाम ले, डे बाय डे इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई ये फिल्म बॉक्स पे बहुत बड़ी ऐतिहासिक कमबैक के साथ लौटी हुई है और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 को बॉक्स पे ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मूवीज की लाइन लग चुकी है। दोस्तों स्त्री 2 ने केवल 4 दिनों के अंदर सुपर हिट बनने का टैग लगवा लिया, तो ये फिल्म दोस्तों 6 दिनों के अंदर ब्लॉकबस्टर बनने का टैग भी लगवा चुकी है। 10 से 15 दिनों का ये फिल्म बॉक्स पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लेगी। वेल दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी 100% रियल, आपसे एक छोटी सी विनती है इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपके लिए कुछ खास और कॉमर्स, बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों आप लोग पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखिए, ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि फिल्म पब्लिक को बेहद पसंद आ रही। फिल्म के एक दिन के अंदर 9,08,00 टिकट हमको बुक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म दोस्तों अपने पहले दिन 9,90,000 टिकट्स बेचे थे, दूसरे दिन 8,70,000, तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म में बॉक्स पे 8,00,000 टिकट बेचे थे, वहीं भी चौथे दिन 10-11 लाख टिकट बेचे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।